प्रयागराज में दिन दहाड़े 24 फरवरी को हुई उमेश पाल की हत्या के मामले में पुलिस ने माफिया अतीक अहमद की बहन आयशा नूरी और उसकी दोनों बेटियों को भी वांछित कर दिया है। अब आयशा के साथ ही उसकी दोनों बेटियों पर भी पुलिस ने अपना शिकंजा कस दिया है। पुलिस अतीक की बहन और उसकी दोनों भांजियों की तलाश में जगह जगह छापेमारी कर रही है। वांछित बनाई गई आयशा और उसकी दोनों बेटियों पर उमेश पाल की हत्या में शामिल शूटर्स को संरक्षण देने और मदद करने का आरोप है। पुलिस का कहना है कि 5-5 लाख रुपए के इनामी फरार अपराधी असद गुड्डू मुस्लिम ने डॉक्टर अखलाक के नौचंदी मेरठ में स्थित घर पर पनाह ली थी। इस दौरान अखलाक ने उमेश पाल से जुड़े इन शूटर्स को पैसे रुपए से लेकर और भी दूसरी मदद की थी। घर में अखलाक की बेटियों ने भी मददगार की भूमिका निभाई थी। वहीं पुलिसिया जांच में ये भी पता चला था कि अखलाक की बीवी आयशा नूरी ने शूटर्स की लखनऊ प्रयागराज से लेकर बरेली तक मदद करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी। आयशा ने ही असद और गुड्डू को दिल्ली में फ्लैट भी दिलवाया था। इसके अलावा शूटर्स को कार भी अखलाक के परिवार ने ही मुहैया करवाई थी। हत्याकांड में शूटर्स के अखलाक के घर ठहरने का सीसीटीवी फुटेज मिलने के बाद एसटीएफ ने अखलाक को अपनी गिरफ्त में ले लिया था। इसके बाद मामले में कड़ी से कड़ी जोड़कर जांच को आगे बढ़ाया गया तो आयशा नूरी और उसकी बेटियों की भी भूमिका सामने आई। इसी आधार पर आयशा और उसकी दोनों बेटियों का नाम मुकदमे में बढ़ाते हुए उन्हें वांछित कर दिया गया है। ऐसे में अब देखना ये होगा कि पुलिस की गिरफ्त से आयशा और उसकी बेटियां कब तक दूर रहती हैं और उमेश पाल की बेवा को इंसाफ कब मिलता है। फिलहाल इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें इंडिया पब्लिक खबर के YouTube चैनल को और बेल आइकन दबाएं ताकि चैनल से जुड़ी सारी लेटेस्ट अपडेट्स आप तक वक्त से पहुंच पाए।